नमस्कार, श्वेता की सिखाई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक। ये केक विदाउट आइसिंग भी बहुत अच्छी लगती है। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम मैदा, 120 ग्राम बटर, रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, 200 ml सोडा वाटर, कैरामल सिरप। आप चाहो तो घर में चीनी पिघला के इसे बना सकते हो। थोड़े से पाइनएप्पल की स्लाइस, जिसे मैंने चीनी में बॉईल कर लिया है, चेरी और 400 ml मिल्क मेड, 1 टेबल स्पून सोडा और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबल स्पून पीसीवी चीनी, पाइनएप्पल एसेंस और पाइनएप्पल फूड कलर। हमने एक केक टिन लिया है, उस पे मैंने नीचे बटर पेपर लगा दिया और चारों साइड से बटर लगा दिया। फिर हमें ये पाइनएप्पल के स्लाइस लेने हैं और इसे नीचे सेट करना है। इसको ऐसे सेट करना है और जहां जहां इसका गैप है उसमें हमें एक एक चेरी रखनी है। अब हमें इसके चारों साइड ये सिरप डालना है। सिरप चारों साइड अच्छे से लग जाना चाहिए। हमारा सिरप लग चुका है। अब हमें इसे साइड में रखना है और केक का बैटर बनाना है। अब एक बॉल में हमें चलनी लगाई है, इसमें मैदा डाल दें, मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाल के इसे अच्छे से छान लें। केक बनाने के लिए हमें मैदे को छानना बहुत जरूरी है। मैदा हमारा अच्छे से छन गया है, अब हमें इसका बैटर बनाना है। सबसे पहले एक बॉल में बटर डाल दें, पीसी हुई चीनी, मिल्क मेड, इसे अच्छे से हमें फेंटना है। इसे हमें अच्छे से फेंटना है जब तक ये हल्का फ्लफी ना हो जाए। इसमें लगभग हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे। ओवन को हमें 180 डिग्री पे गर्म करना है। ये अब अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमें इसमें थोड़ा मैदा और थोड़ा सोडा वाटर डाल के इसका एक बैटर बनाना है। ध्यान रहे इसे आप ज्यादा नहीं फेंटे, नहीं तो केक आपकी फूलेगी नहीं। बैटर अब हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें इसमें थोड़ा सा फूड कलर और थोड़ा सा एसेंस डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। हमारा बैटर अब अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमें इसमें इसे डालना है। अब हमें इसे अच्छे से टैप करना है। 180 डिग्री पे हमें इसे 30 से 35 मिनट तक बेक करना है। हमारा अपसाइड डाउन केक अब बनकर तैयार है।